हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल हैंड। दोस्तों, आज हम ये पुरानी कुर्ती में से बहुत ही यूजफुल चीज बनाने वाले हैं और बहुत ही डेली हमें यूज आए ऐसी। तो सबसे पहले मैंने ये कुर्ती को साइड में से खोल दिया है और देखिए इस तरीके से मैं इसका स्क्वायर पीस कट कर लूँगी। और दोस्तों, इसमें हमें ना ही तो फॉर्म यूज नॉन वन यूज करना है, सभी कपड़ा इसी कुर्ती में से हम ले लेंगे। और हाँ दोस्तों, फॉर्म भी आप अगर आपके पास पुराने कपड़े पड़े होते हैं ना, नए कपड़े लेते हैं या पुराने कपड़े होते हैं तो वो बीच में फॉर्म की जगह पे आप रख सकते हैं। और अगर आप ऐसे कपड़ा नहीं रखना चाहते और फॉर्म ही आपको यूज़ करना है तो आप जो नए कपड़े लेते हैं उसके साथ भी आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोनों स्क्वायर पीस को इस तरीके से लिया है और क्विल्ट करके जोड़ लिया है और नीचे का और ऊपर का कुर्ती का ही कपड़ा लिया है। अब 9x9 इंचेस का हमें ऐसे नाप ले लेना है। अब मैं इसे फोल्ड करूंगी और यहाँ पे मैं हार्ट का शेप दे दूंगी। तो हार्ट का शेप देने के बाद दूसरा पार्ट भी हम उसी के नाप से कट कर लेंगे। और आप इससे छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। अब देखिए, कुर्ती को ले लेना है और इस तरीके से मैं बॉर्डर निकाल लूंगी और इसे हमें फॉर्म और इसी का कपड़ा यूज करके अटैच कर लेंगे। देखिए, अब मैं सीधा कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने देखिए दोनों कुर्ती के ही कपड़े लिए हैं और फॉर्म अटैच किया है और 4x33 इंचेस का बॉर्डर लिया है। दोस्तों, बॉर्डर आप जो हार्ट शेप है उससे 1 इंचेस उसका नाप जो भी है उससे 1 इंचेस कम कट करना है। देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके की स्ट्रिप ले रही हूँ 5x1.5 इंचेस की। अब हमें ये जो बॉर्डर है ना उसी के नाप से हमें जिप को लेना है और ऐसे उल्टा रखना है और फिर प्रेस स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा करके स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे। तो प्रेस स्टिच हो गई है हमारी। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रिप ली थी ना वो रखनी है इस तरीके से और यहाँ पे हमें स्टिच करना है। तो सेंटर में हम मार्क कर देंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। और हाँ, साइड में हमने दोनों साइड खुला छोड़ा है क्योंकि हम बॉर्डर अटैच करेंगे तो उसे जोड़ने के लिए थोड़ा खुला छोड़ना पड़ता है। अब बॉर्डर को ऐसे रखना है और स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे। तो प्रेस स्टिच हमारी हो गई है। अब हम इस तरीके से देखिए रखना है हमें बॉर्डर को और पूरे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है इस तरीके से। देखिए, तो ये हमारा स्टिच हो गया। अब हम यहाँ पे जोड़ के स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट है उसे ऐसे रखेंगे और पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया है, दोनों पार्ट अटैच हो गए। देखिए बॉर्डर कितना अच्छे से हमारा अटैच हो गया। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रेस स्टिच करूंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्रेस स्टिच कर ली है। अब हम इसे सीधा कर देंगे और ऊपर की ओर हमें देखिए ये ऐसी लेस लेनी है और यहाँ पे हमें ऐसे अटैच करना है पूरे राउंड में। तो देखिए, ये रेडी हो गया और बहुत ही यूजफुल सा हार्ट शेप का हमारा मल्टीपर्पल ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। आप अपनी कोई भी चीजें इसमें आसानी से रख सकती हैं और यूज कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।